तो चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कराने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस आयोजन में शामिल होने के लिए तमाम बड़े नेताओं को न्योता दिया है। सीएम भूपेश ने बताया कि उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया है। इनमें बीजेपी नेताओं के नाम भी शामिल है। जहां सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राम की संस्कृति को देखने सभी को आना चाहिए। प्रदेश सरकार ने राज्य की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुख्यमंत्री दिया हो तो उसमें सभी पार्टी के लोग हैं, क्षेत्रीय दल के भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी है, कांग्रेस के हैं, सारे मुख्यमंत्रियों को मैंने पत्र लिखा, तो सभी दल के लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि हम छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसे हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज देखिए आदिवासी नृत्य महोत्सव आज स्थापित हो गया, 3 साल से लगातार कर रहे हैं, तो देश और विदेश में हमारी पहचान बनी। रामायण गांव-गांव में इसका आयोजन होता है, उसका भी प्रदेश स्तर पर आयोजन किए थे, अब उसकी लोकप्रियता देखते हुए इसको राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने पीएससी रिजल्ट को लेकर राज्य सरकार को घेरा। मीडिया से चर्चा में कहा कि ये मैटर राजनीति का नहीं है, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो छत्तीसगढ़ के युवाओं की हताशा निराशा की भावना दूर करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर पाक साफ है तो पहले और अब की लिस्ट की सीबीआई जांच कराए। लोग आजकल नारा लगाते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है करके, लेकिन एक्चुअल में भूपेश है तो भ्रष्टाचार है। ये भरोसे का सम्मेलन नहीं, भरोसे की हत्या का सम्मेलन इनको करना चाहिए। ये दाऊ नहीं खाऊ है। इसको आज हम कोयला के घोटाले में, शराब के घोटाले में, 2000 करोड़ रुपए का शराब का घोटाला, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पूछा करते थे कि ईडी के छापे में क्या मिला, रेड में क्या मिला। ईडी ने तो केवल कोयला घोटाले में 221 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी को सीज कर दिया है। और क्या मुख्यमंत्री जी को चाहिए? अब बिट्टू का नाम आ गया, अब सारे लोगों को, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को पता चल गया है कि 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 2500 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला, या इस जो माफिया राज और कोयला घोटाला, जो घोटाला राज और माफिया राज चला है, उसके पीछे भूपेश बघेल, जो दाऊ नहीं खाऊ है, और बिट्टू का हाथ रहा।